हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू इंग्लिश लिटरेचर। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई एम स्टार्टिंग रीडिंग दिस बुक द रॉटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो पे मिलेगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ वीडियो लेट मी नो ऑफ टेक्स्ट बुक सो आई विल अपलोड रेगुलरली। सो शो योर इंटरेस्ट टूवर्ड दिस सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज़ द इंडेक्स ऑफ द बुक। यहाँ से स्टार्ट होती है बुक, ओल्ड इंग्लिश एंड मिडल इंग्लिश पीरियड, जिसे हम कैटेगराइज करेंगे एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन और एज ऑफ चौसर के बीच में, देन रिनाइसा एंड सो ऑन। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग ऑफ इंग्लिश, ओल्ड एंड मिडल इंग्लिश फ्रॉम 600 to 1485। सो नो नीड टू रीड प्रीफेस। बस इस बुक में ये जो ऊपर कोटेशन दिए हुए हैं इस पर फोकस करो। मैन विल टर्न ओवर अ हाफ लाइब्रेरी टू मेक वन बुक। तो ये कोटेशन सैमुअल जॉनसन ने दिया है। द मियर अंडरस्टैंडिंग हाउएवर यूजफुल एंड इनडिस्पेंसिबल इज द मीनेस्ट फैकल्टी इन द ह्यूमन माइंड, द मोस्ट टू बी डिस्टर्स्टेड, मोस्ट टू बी डिस्ट्रस्टेड एंड येट द ग्रेट मेजोरिटी ट्रस्ट टू नथिंग एल्स। सो ये जो कोटेशन है वो थॉमस डी क्विंजे ने दिया है। सो ये दो कोटेशन है स्टार्टिंग ऑफ, तो ये याद रखना। और ये टाइम लाइन दी हुई है कैसे जो रोमन्स थे वो ब्रिटेन से चले गए, देन एंग्लो सैक्सन और ज्यूट जो थे वो इंग्लैंड में आए फ्रॉम जर्मनी, और फिर कैसे किंग अर्थर जो थे उन्होंने वेसेक्स पर अपना शासन किया, फिर 1597 से क्रिश्चियनिटी कैसे फैली कैंटरबरी में, देन विकिंग इन्वेंशन हुआ, ये सब दिया हुआ। ओनली गो थ्रू, इसको सिर्फ देखिए एक बार, नो नीड टू रिमेंबर। ओके, फोकस फ्रॉम हियर, यहाँ से फोकस करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे 7 किंगडम्स थे, नॉर्थम्बेरिया, एंगल्स एंड ईस्ट एंगलिया, एसेक्स, कैंट, ससेक्स और वेसेक्स। ये 7 किंगडम्स थे। इन 7 किंगडम को ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी बोला जाता है। इस पार्ट में ये सारा किंगडम फैला हुआ था। फिर बाद में जब अटैक होने लगे बाहर से, लाइक डेनिश जो विकिंग थे वो अटैक करने लगे एंग्लो सैक्सन पे, फिर उसके बाद डेन्स ने और नॉर्मन्स ने यहाँ से अटैक होने लग गए, तो ये सब जो 7 किंगडम थे वो बिखरने लग गए। हैंस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लिटरेचर कैसे स्टार्ट हुआ। फर्स्ट फ्रेगमेंट लिटरेचर स्टार्ट होता है विद द कैडमियम यूम। इस पेज पे हमें दो वर्क के बारे में जानने को मिलेगा, कैडमियम यूम और डियोर लेमेंट। कैडमियम यूम इज़ द स्टोरी ऑफ कैडमियम जो 7th सेंचुरी में थी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ वर्कर ऑन द स्टेट ऑफ मोनेस्ट्री ऑफ विटबाय इन नॉर्मेंडिया। तो ये एक स्टोरी है कैडमियम की, जो मोनेस्ट्री ऑफ विटबाय में रहते थे इन नॉर्थम्बरिया। उन्हें वॉइस ऑफ गॉड आई, केम टू हिम, हिज हिम इज़ देयरफॉर फर्स्ट सॉन्ग ऑफ प्रेज ऑफ गॉड। सो ये एक रिलीजियस पीस है कैडमियम यूम। फिर यहाँ पर हम देखेंगे डियोर लेमेंट। डियोर लेमेंट को हम डियोर भी बोलते हैं, और सिंपली इट इज़ ऑल्सो सैड एज द सी फियरर। इट रिफ्लेक्ट द ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड दिस वर्क इज़ टोल्ड इन फर्स्ट पर्सन। सो इस वजह से फर्स्ट पर्सन का यूज़ होने की वजह से आई का यूज़ हुआ यहाँ पर। और ये जो वर्क है इसमें भी हम गॉड का, जो फेथ इन गॉड भी हमें मिलता है। देन दिस वर्क द सी फियरर, इन दिस वर्क वी फाउंड द डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ सी फियरर, जिसमें एक्सप्लेन हुआ हुआ है कि कैसे डे टू डे वो अपनी लाइफ बिताते हैं। पर इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सी फियरर की बुक में, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ पाज्म। जो बाइबल का में जो पाज्म होती है उसका इंटरप्रिटेशन हमें सी फियरर में मिलता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर दिस। द स्पीकर इन द डियोर्स लेमेंट रिकाउंट द डे टू डे ट्रायल ऑफ लाइफ विद द सर्वल हीरो ऑफ जर्मेनिक ओरिजिन। ठीक है, और यहाँ पे एक रिपीटेशन ऑफ चौरस फाउंड होता है डियोर लेमेंट में, दैट इज दैट इविल एंडेड, सो ऑल्सो मे दिस। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट डियोर लेमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जिक्र हुआ है, जिस वजह से रिफ्रेन यूज़ हुआ है बैड टाइम विल पास। तो ये बैड टाइम भी पास हो जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इज़ ऑल्सो बिग थीम इन द डियोर लेमेंट और सी फियरर। यहाँ पे हमें टेक्स्ट में ऐसे लाइन्स मिलती है, सो आई
एंड सो आई कैन सिंग ऑफ माई ओन सैड प्लाइट हु लॉन्ग स्टूड हाइट एंड द होंडरिंग बार्ड डियर माई नेम. सो डियर इज़ माई नेम डियर टू माई लॉर्ड. ये लाइन रेफरेंस करती है रिलीजियस रेफरेंस. इसमें हमें रिलीजियस रेफरेंस मिलता है. माइल्ड वॉइज माई सर्विस फॉर मैनी अ विंटर. तो यहाँ पर उनके वर्किंग कंडीशन के बारे में है. किंगली माई किंग टिल हिरोइंडा केम स्किलफुल इन द सॉन्ग. मतलब यहाँ पर हिरोइंडा के मतलब किंग के बारे में बात हो रही है, उनके किंग उनके राजा के बारे में. अनसरप्राइजिंग द लैंड राइट विच वन माई ग्रेशियस लॉर्ड ग्रांटेड टू मी. ग्रेशियस लॉर्ड मतलब किंग है. दैट ई विल एंडेड सो ऑल्सो मे दिस. तो ये जो टेक्स्ट है इसको पढ़ो एक बार. भले ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, पर ये इट इज़ द बेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो शो योर इंटरेस्ट Toward this also, the seafarer and the wanderer, along with the various other texts, ये जो work हैं दोनों इनमें similarities हैं. क्योंकि ये जो work है ये दोनों प्रिजर्व है एक्स्टर बुक में. एक्स्टर बुक वो manuscript है जिसमें old जितने भी works हैं जो कि खो गए थे या फिर जो बहुत मुश्किल से मिले हैं, जिनको save किया गया है 10th century के work को, वो इस book में रखे गए. एक्स्टर book is the collection of manuscript of old book. तो ये कहाँ पर रखा गया, विद द एक्स्ट्रा कैथेड्रल लाइब्रेरी इन डिवॉन. अ डियर लेमेंट दीज टू एलिजिक पोएम. डियर लेमेंट भी सैडनेस थीम है. इसमें एग्जाइल है क्योंकि वॉर की वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट उनको सहन करना पड़ा, सॉलिट्यूड एंड सफरिंग. सो दीज आर द मेन थीम ऑफ डियर लेमेंट. तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपने थॉट्स बता रहा है अपने लॉर्ड की तरफ, अपने किंग की तरफ. ही रिकॉल द ओल्ड लेजेंड of battle and bloodshed and the wonders where now is the warrior. तो वो पूछ रहे हैं कि वो warrior कहाँ है अब. Where is the war horse? This reflect the biblical tradition of questioning. So ये जो pattern है questioning का, ये हमें Bible से मिलता है. तो हमें पता चलता है कि old text में Bible का influence है. This is the text line of wanderer. इसको सिर्फ एक बार पढ़िए, no need to remember. बस एक बार पढ़िए कि writer क्या कहना चाहता है. सो देयर इज़ क्लैश बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट. इन लाइन से हमें पता चल रहा है पहले बैटल की बात कर रहे हैं पास्ट और प्रेजेंट, फिर अब की बात कर रहे हैं कि अब ऐसा हो चुका है. तो दोनों क्लैश हो रहा है. रिमेंबरिंग द ग्लोरी वो टाइम को और आज का टाइम जो डिस्पेयर है मोमेंट है आज का, उनको कंपेरिजन हो रहा है यहाँ पर. हु विल रिटर्न अगेन इन लिटरेचर. इट डिस्क्राइब द सेज इन सॉलिट्यूड एंड पॉन्डरिंग. तो ये डिस्क्राइब कर रहा है उनका खुद की फीलिंग्स को, सॉलिट्यूड को एंड पॉन्डरिंग को जो वो अब है. सो इन नेक्स्ट पेज वी विल सी. यहाँ पे द रॉटलेज हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोटेशन से स्टार्ट होती है पेज. जो भी पेज स्टार्ट होता है वो कोटेशन से स्टार्ट होता है. लाइक ड्रीम ऑफ रॉड का एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, लो आई विल टेल द डियरेस्ट ऑफ ड्रीम. तो ये भी नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. और ड्रीम ऑफ रॉड, तो ये क्वेश्चन आ चुका है. रॉड का मीनिंग क्या है? रॉड मीन्स क्रॉस. सो इस छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे. जो लैंग्वेज है यहाँ से अर्ली मिडल इंग्लिश स्टार्ट हो गई थी इन द 13th सेंचुरी. इसमें हम वनरेबल बाइबल, जो वनरेबल बीड है उन्होंने लिखा था लेटिन में वर्क, फर्स्ट वर्क लिखा था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इंग्लैंड के बारे में. द वर्क नेम इज़ एस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल. और इनका अनदर फेमस वर्क है द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल. ये दो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है बाय वनरेबल बीड. इनके जो वर्क है दोनों डेडिकेटेड हुए हैं रिलीजन को, रिलीजियस थीम के ऊपर एंड इंग्लैंड के ऊपर अपॉन 12th सेंचुरी. इज ऑल्सो रेफरेंसिंग, जो बीड राइटर है वो इन फिलोसोफर जो रिलीजियस सेंट है उनके बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था रिलीजन, जैसे कि एक्ने रेवले, ट्रेडिशन इन द राइटिंग राइटिंग ऑफ एरिकिन एंड सेंट एनसम. तो ये दोनों सेंट्स के नाम हैं. तो नो नीड टू रिमेंबर बट ऑल्सो गो थ्रू दिस. देन फ्रॉम द दिस टेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द ड्रीम ऑफ रॉड. ड्रीम ऑफ रॉड, सी यहाँ पे लिखा हुआ है रॉड का मतलब है क्रॉस. दिस इज़ द अर्ली एंड ऑफ 17th सेंचुरी वर्क है. इस विजन, इस वर्जन में हमें ये जो क्रॉस की बात हो रही है वो क्रॉस कहाँ पे मिला था? रुथवेल क्रॉस स्टैंडिंग स्टोन इन द ड्रम फील्ड शायर इन गैलोवी. तो ये जो ये स्कॉटलैंड में है, तो ये बात सिर्फ इस बुक में लिखी हुई है कि ये क्रॉस कहाँ मिला.
एंड इट इज़ रिटन इन नॉर्थ अमेरिकन लैंग्वेज. द ड्रीम ऑफ रॉड वी फाउंड द फिगर ऑफ क्रिस्ट. क्रिस्ट के बारे में बहुत सारे वर्ड यूज हुए हैं जिसमें भगवान के बारे में बात हुई है, क्रिस्ट एंड द क्रॉस. सो जैसे कि कुछ कुछ सिंबल यूज हैं, जैसे ट्री, गोल्ड क्रॉस, सिंपल बेयर क्रॉस, क्रॉस अलग अलग टाइप के ऊपर बात हुई है यहाँ पर. क्रॉस विद द वॉइस विच स्पीक इट्स ओन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्री टू बियरर ऑफ क्रिस्ट. तो ये सब बात हुई है. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखो, लिटर्गी. लिटर्गी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था. लिटर्गी मीन्स रिलीजियस टेक्स्ट या रिलीजन वर्शिप जो करते हैं वो टेक्स्ट में पाया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं लिटर्गी. सो दिस इज़ लाइन फ्रॉम दिस पोयम ड्रीम ऑफ रॉड. अगर आप चाहो तो इसे गो थ्रू कर सकते हो, यू कैन गो थ्रू. मैं हर चीज़ इसमें कवर नहीं कर सकती. आई विल कवर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर नेट एग्ज़ाम और एनी फॉर्म ऑफ एग्ज़ाम यू आर गिविंग. यहाँ पर वापस हमें सी फियरर के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे द जो हमने नेक्स्ट पेज पे पढ़ी थी सी फियरर, उस पोयम के बारे में बात होगी. स्पीकर इन द सी फियरर डिस्पाइट हिज सफरिंग, क्योंकि सफरिंग के बारे में बताया स्पीकर ने. माई बाक वॉज बीटन बाय द ब्रेकिंग सीज. तो यहाँ पे क्या है, जर्नी ऑफ सी फियरर, जो ब्रेकिंग सीज है उसकी वजह से उनकी जो बाक है वो क्या हो गई है, बीटन हो गई है. रिजेक्ट लैंड एंड द टाउन, हिज हार्ट इज़ हॉन्टेड बाय द लव ऑफ सी. सो दीज आर द सी. इससे हमें सी के बारे में पता चल रहा है, जैसे बाक हो गया, हॉन्टेड बाय द लव ऑफ सी. सो दीज आर द सुपर नेचुरल प्रेजेंस जो कि स्पीकर के बारे में बताता है. एज द ड्रीम ऑफ रॉड गिव द इमेज ऑफ सफरिंग एंड रिडम्पशन, द सी फियरर ऑल्सो गिव द इमेज ऑफ शिप एंड सी. ओके, ड्रीम ऑफ रॉड इज़ द सेंस ऑफ बींग अलोन. इसमें हमें सेंस ऑफ बींग अलोन और स्पिरिचुअल सपोर्ट के बारे में पता चलता है. अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क लॉन्ग पोयम इज़ ब्यूवुल्फ. ब्यूवुल्फ के बारे में बताया, इट हैव अ डबल लाइन विद द ब्रेक. मतलब इसमें जब ब्यूवुल्फ स्टार्ट होती है, जो टेक्स्ट है ब्यूवुल्फ का, उसमें सेजुरा का यूज हुआ है, मीन्स ब्रेक विद इन लाइन. That give this give the words distinctive in the rhythm. इनकी जो rhyme है, rhythm है, उसमें difference हमें देखने को मिलता है. In this work we found the minstrel, जिसके हम scoop भी बोलेंगे, which used in performing the text for his audience. Beowulf में literary device use हुई है, like caesura, canning, alliteration. canning वो होता है जिसमें compounding word use होते हैं. We will read, आगे हम पढ़ेंगे. अलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ द रीन. द रीन इज़ अ स्प्लेंडेड वर्क. इट इज़ द एलिजी, ओल्ड इंग्लिश पोएम है. एक्स्टर बुक में सेव हुई है ये वर्क. इट इन्वोक द ग्लोरी ऑफ रियन रोमन सिटी. ओके, वी विल, ये जो लैंग्वेज नोट है रोटलेज हिस्ट्री में, हमेशा इसको कभी मत छोड़िए, इसको पढ़िए हमेशा. इसमें दिया हुआ है कैनिंग के बारे में. ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि ब्यूवुल्फ में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है. इट इज़ कंपाउंडिंग ऑफ वर्ड. जैसे फॉर एग्जांपल हॉनरेड, इसका मतलब है स्वान रोड, मींस जो रोड है वो स्वान के टाइप में या स्वान शेप में बनी गई है. हॉनरेड मींस वेल रोड. बेनस मींस बोन हाउस लाइक ह्यूमन बॉडी. स्वान रोड का मतलब है सी. सो ये सब जो कंपाउंडिंग वर्ड है एंड ऑल्सो यूज़ ऑफ अलिटरेटिव नेस इन द पोएटिक नाइन. सो ये जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है ब्यूवुल्फ को. ऑल्सो रिमेंबर, जो कंपाउंडिंग जो हमने देखा है आगे, जो ब्यूवुल्फ में यूज़ हुआ है कैनिंग, दैट कैनिंग जो है वो फॉर्मेट यूज़ किया गया था बाय मॉडर्न राइटर जी एम हॉपकिन एंड जेम्स जॉयस. ये नेट में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि कौन से दो मॉडर्न राइटर है जो पोएटिक कंपाउंडिंग यूज़ करते हैं. तो यहाँ से वो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन थे चार ऑप्शन और उसमें आपको सेलेक्ट करने थे. तो जी एम हॉपकिन एंड जेम्स जॉयस आर टू राइटर, मॉडर्न राइटर, हु यूज़ पोएटिक कंपाउंडिंग.